आईपीएल 2023 का तीसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच खेला गया। इस मैच में लखनऊ की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। काइल मायर्स और निकोलस पुरन की शानदार बल्लेबाजी के दम पर लखनऊ की टीम इस मैच में निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 193 रन का स्कोर खड़ा किया। काइल मायर्स 38 गेंद पर 7 छक्के की मदद से 73 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हुए। वहीं निकोलस पुरन ने 21 गेंद पर 3 छक्के की मदद से 36 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में आयुष बदोनी ने 7 गेंद पर 18 रन की पारी खेलकर लखनऊ का स्कोर 187 तक पहुंचा दिया। पारी की आखिरी गेंद पर कृष्णप्पा गौतम ने छक्का लगाकर लखनऊ का स्कोर 193 पर पहुंचा दिया। दिल्ली कैपिटल को इस मैच को जीतने के लिए 194 रन का लक्ष्य मिला। इस लक्ष्य को साधने के लिए दिल्ली कैपिटल की तरफ से पृथ्वी शॉ और डेविड बार्नर ने पारी की शुरुआत की। पृथ्वी शॉ 12 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन दूसरे छोर पर डेविड बार्नर डटे रहे। डेविड बार्नर 48 गेंद पर 56 रन बनाकर आवेश खान का शिकार बने। डेविड बार्नर की धीमी पारी का नुकसान दिल्ली कैपिटल को उठाना पड़ा, क्योंकि जब डेविड बार्नर आउट हुए तो उस समय दिल्ली कैपिटल का स्कोर 16 ओवर में 7 विकेट पर 113 था। यहां से जीत के लिए दिल्ली कैपिटल को 24 गेंद पर 81 रन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल की टीम लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंच पाई और निर्धारित 20 ओवर में 143 रन ही बना पाई। इस तरह इस मैच को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 50 रन से जीत कर पॉइंट टेबल में अंक का खाता खोलने में कामयाब हो गई। लखनऊ की तरफ से सबसे अधिक 5 विकेट मार्क वुड ने लिए।